मैं विनोद चौधरी, वीके सी मैथ सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन एक्सरसाइज सेकंड का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज सेकंड का करेंगे 2.2। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2। तो इस प्रश्नावली के अंदर आपको अभाज्य गुणनखंड करने, प्राइम फैक्टर करने और इसमें जो ईच नंबर आपको गिवन है इनका प्राइम फैक्टर करके और उनके प्रोडक्ट के रूप में आपको लिखना है, यानी प्रत्येक संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करके और आपको उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये चीज़ें पीछे की क्लासों में आप पढ़ चुके हो, ये तीसरी चौथी क्लास से भी शुरू हो जाती है अभाज्य गुणनखंड करना। तो जब भी आप प्राइम फैक्टर करते हो तो प्राइम फैक्टर के अंदर प्राइम नंबर यूज किए जाएंगे। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल एक से या खुद से ही डिवाइड हो, उनको अपन प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद में 13, 17, 19, 23, 29। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जब प्राइम फैक्टर कर रहे हो तो यहाँ पर आप ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 19 या 23 तक की संख्या आ सकती है। तो अब अपन शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। 468 के आपको अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे कि 468 को अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इस तरह से आप पहले ही लिखना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर 468 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसको अभाज्य गुणनखंड करके आप उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ 468 में सबसे पहले जिस अभाज्य संख्या, जिस प्राइम नंबर से ये डिवाइड होगा वो है 2, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो ही वो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर इस संख्या का इकाई का अंक है वो 8 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसमें 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 में 2 बार गया, 6 में 3 बार गया और 8 में वो 4 बार गया, तो ये आ गया 234। 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दोगे तो 2 एकम 2 जाएगा और फिर 3 में दोगे तो भी 1 बार जाएगा और फिर 14 बन जाएगा तो उसमें 7 बार गया। अब 2 से विभाजित नहीं है ये संख्या, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है वो 7 आ गया है। तो अपन 3 का देखते हैं, 3 का क्या रूल है कि अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाना चाहिए। अगर आप सम ऑफ डिजिट करते हो तो वो 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, 7, 1, 8 और 1 हो गया 9, तो 9 है वो 3 से डिविजिबल है, तो इस नंबर में भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो 3 से आप इसको डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स हो गया 9, फिर 2 रिमेनिंग रहा, 2 से 7 मिला करके 27 हो गया, तो 27 में 9 टाइम्स तो ये हो गया 39 है। अब अगेन 3 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट डिजिट और सेकंड वाला जो डिजिट है उन दोनों का सम करते हो आप, तो 9 और 3 12 होते हैं, तो 12 3 से डिविजिबल है, तो 39 भी 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से आप इसको डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 13 जो है खुद प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो कोई भी अभाज्य संख्या वो खुद से डिवाइड होती है, तो 13 में 13 का ही डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1। जब लास्ट में 1 आ जाए तब आपका जो अभाज्य गुणनखंड की प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है। अब इसको आप इनके गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो किस तरह से लिखना है कि 468 इसके बराबर, अब यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में 3 भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इस 3 की भी कितनी पावर हो गई है, 2, और 13 है वो 1 की बार आया है, तो यहाँ पर 13 की पावर आप 1 लिख सकते हो या ओनली 13 लिख सकते हो। तो ये 468 है इसके प्राइम फैक्टर हो गए और उसको अपन ने पावर के फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो ये एक नंबर में पूछता है, कोई भी नंबर दे देता है तो उसके प्राइम फैक्टर, जो पीछे एक 2018 में एक क्वेश्चन आया था उसमें उसने कहा था कि 196 के आप प्राइम फैक्टर करके
और उनकी जो पावर है उनका सम बताओ कि कितना सम होगा, कि उनके अभाज्य गुणनखंड करके जो उनकी घात बनेगी उनका योग बताना था आपको वहां पे। तो यानी जैसे ऐसा पूछ ले कि 468 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो उसकी जो घात बन रही है उनका जोड़ बताओ, तो जोड़ कितना होगा, ये 2, 2, 4 और 1, 5। तो इस तरह से वो एक नंबर में क्वेश्चन है पूछ सकता है कि आपको प्राइम फैक्टर भी वहां करना पड़ गया। और उसके बाद जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो क्या था, ओनली प्राइम फैक्टर नहीं था, उनके प्राइम फैक्टर करने के बाद जो पावर आ रही थी उनका सम करना होगा आपको। तो इस तरह से वो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो में आपको 945 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभी 945 है, इसमें सबसे पहले किस संख्या का भाग जाएगा, ये किस से डिविजिबल होगा, इसको अपन चेक करते हैं। तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है वो 5 है, 2 के बाद 3, तो 3 का क्या रूल है कि सम ऑफ डिजिट है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इनका सम ऑफ डिजिट करते हैं तो 9 और 4 हो गया 13, 13 और 5 हो गया 18, तो 18 3 से डिविजिबल है तो इसमें अपन 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से आप इसको डिवाइड करते हो तो 9 में 3 टाइम्स हो गया, उसके बाद 4 में 1 टाइम्स हो गया और 15 बनेगा, 15 में हो गया ये 5 टाइम्स, तो ये 3 से डिवाइड करने पर आ गया 315। अब 315 में अपन अगेन देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इनका सम करते हैं डिजिट का, 5, 4, 1, 6, 6 और 3, 9, तो 9 है तो 3 से डिविजिबल है, तो इसमें अपन 3 से अगेन डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करते हो तो 3 में तो ये 1 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे 15 है तो डायरेक्ट इसमें लिख देंगे वो 5, ये 5 लिख देंगे, तो यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है कि अगर आप 15 का 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर आना चाहिए, 15 का 3 से करते हो तो 45 ही आता है। तो यहाँ पर जो एक डिजिट बीच वाला और बच गया है वो क्या बच गया है कि देखो जब आप 15 से पहले आप 1 नीचे उतारते हो तो 1 है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 से ये छोटा रह गया, तो आपको फिर 5 और उतारना पड़ेगा, तो वहाँ पर डिवाइड वो ब्रेक हो जाता है, भाग टूट जाता है, तो जब भाग टूट जाता है तो वहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ता है, वो 0, 0 लगाने के बाद फिर आप ऊपर से 5 को नीचे उतारोगे और फिर 15 बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो, डायरेक्ट आप 15 लिख देते हो, लिखते ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो जब डिवाइड ब्रेक होता है तो उसका वो 0 आएगा। अब ये नंबर देखते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इनका अपन सम करते हैं, सम करोगे आप इसका तो सम हो गया 5, 4, 1, 6, तो 6 में 3 का डिवाइड होता है तो 3 से अगेन इसको आप डिवाइड करोगे, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 में हो गया 3 टाइम्स 9, फिर 15 बनेगा, 15 में हो गया 5, अब ये आ गया 35, तो 35 है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अपन सम करते हैं, सम करोगे तो 5 और 3, 8, तो 8 है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो लास्ट यूनिट डिजिट इसका 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो याद आएगा 7, अब 7 है वो प्राइम नंबर है तो 7 है वो 7 से डिविजिबल होगा, तो 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो आ गया 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है वो हो गए हैं 945 है, इसको आप अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में लिखोगे तो यह आ जाएगा 3 की जो घात है वो 3 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार है, तो 3 की घात है वो कितनी है, 3 है, और 5 की है वो घात 1 है, और 7 की कितनी है, 1 है, तो ये 945 है, इसको आपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन करना है। आगे आप प्राइम फैक्टर करते हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड है 140 के करने, तो 140 में यूनिट डिजिट इसका 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 70 आ गया। अब 70 में यूनिट डिजिट इसका 0 है तो ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 35। 35 का अगर आप सम करते हो, 2 से डिविजिबल नहीं है ये क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 5 आ गया है, अब आप सम करते हो तो पीछे जो आया था 35 क्वेश्चन में सेम वही आ गया है, तो 5 और 3, 8, तो 3 से तो ये डिविजिबल नहीं है तो किससे डिविजिबल होगा, ये 5 से, तो 5 से करोगे तो ये हो गया 7 टाइम्स, और 7 है वो 7 से डिविजिबल है तो ये आ जाएगा 1। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर है वो हो गए हैं 2 की जो पावर है वो कितना है, 1 और 1, 2 टाइम्स है ये, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1,
तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए हैं। तो एग्जाम में जब आता है तो ऐसा छोटा क्वेश्चन ही देता है जिससे आप आसानी से उसके प्राइम फैक्टर कर सको। अब आगे जब आप 3825 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 3825 में सबसे पहले आप डिविजिबल देखते हुए कि कौन से नंबर से डिविजिबल है, तो इसमें यूनिट डिजिट है वो कितना है, 5 है, तो 5 है तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है ये, तो इनके अंकों का जोड़ देखते हैं कि ये 3 से विभाजित है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 5 18, तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 3825 में जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो 3 में 3 का भाग है वो एक बार जाएगा, उसके बाद 8 आ गया तो 8 में 2 बार चला गया, 3 × 2 = 6, उसके बाद 22 बन जाएगा ये, 22 में 7 बार चला गया, उसके बाद 15, 15 में 5 बार चला गया। अब अगेन देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है क्या, तो इनके अंकों का जोड़ करते हैं, तो अंकों का जोड़ करेंगे तो 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो ये 3 से विभाजित होगा ये नंबर, तो अगेन इसको आप डिवाइड करोगे 3 से जब आप इसको अगेन डिवाइड करोगे तो 12 में भाग चला जाएगा 4 बार, उसके बाद 7 में चला गया भाग 2 बार, उसके बाद 1 बचेगा तो फिर 5 बार। अब 425 है तो इसके अंकों का जोड़ देखते हैं, तो अंकों का जोड़ करेंगे तो 4 और 2 = 6 और 5 = 11, तो 11 हो गया, तो 3 का तो भाग नहीं जाएगा, तो 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देखते हैं, 5 के लिए क्या नियम है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट है वो 5 है, तो इसमें 5 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 8 टाइम्स हो गया 40, ये 2 तो 25 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 टाइम्स। अब ये 85 आ गए तो 85 है वो 5 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 17। अब 17 को आप प्राइम नंबर आ गया है तो 17 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो गया 1। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं, 3 की पावर हो गया 2, 5 की पावर हो गया 2 और ये 17 की पावर 1। तो इस तरह से आपको 3825 के अभाज्य गुणनखंड करके और इनको घात रूप में लिखना है। बाकी पहले का 500 क्वेश्चन है, 20,570 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट इसका 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स हो गया 2 में, फिर 0 तो डिवाइड ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद 5 में हो गया ये 2 टाइम्स, फिर 1 रहेगा 17 बनेगा, 17 में ये हो गया 8 टाइम्स, तो 1 रहेगा रिमेनिंग, 1 और 0 मिलके 10, तो 10 में ये हो गया 5 टाइम्स। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है जो 5 आ चुका है। अब 2 से नहीं है तो इसका अपन 3 से देखते हैं, तो 3 का क्या रूल है कि इनका सम करते हैं अपन डिजिट का, तो 1 और 2 = 3, 3 और 8 = 11, 11 और 5 हो गया 16, तो 16 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब अपन 5 का देखते हैं, 5 का क्या रूल है कि जो यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए, तो इसका इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगा, तो इसको आप 5 से डिवाइड करते हो तो 5 से डिवाइड करने पर 10 में चला जाएगा 2 बार। अब आप 2 ऊपर से नीचे उतारोगे तो उसके बाद 2 है वो 5 से लेस देन रह गया, तो आपको एक डिजिट और उतारना पड़ेगा, तो उससे पहले डिवाइड वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, तो 28 बनेगा, 28 के अंदर ये 5 टाइम्स 25 हो गया, उसके बाद 3 रहेगा तो 3 और 5 मिलके 35 हो गया, तो ये 7 टाइम्स। अब इसका यूनिट डिजिट है वो 7 आ गया, तो 5 से तो ये डिविजिबल नहीं है, तो अपन 7 से चेक करते हैं तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 11 का क्या रूल है, 11 का ये रूल है कि इनके जो इवन और ओड प्लेस के ऊपर जो डिजिट है उनका सम करते आप डिफरेंस करोगे तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो 2 और 5 ये दोनों जो अंक है वो तो विषम स्थानों पर है और 0 और 7 है वो सम स्थानों पर है, तो 5 और 2 = 7, 7 में से 0 और 7 जोड़ोगे तो 7, तो 7 में से 7 0 हो गया, तो ये 11 से डिविजिबल होगा, तो 11 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 11 से डिवाइड करोगे तो 20 के अंदर ये 1 टाइम्स, उसके बाद 9 रहेगा रिमेनिंग, तो 95 हो जाएगा, तो 95 के अंदर 8 टाइम्स 88 हो गया है, उसके बाद 7 रहेगा, 77 हो गया, तो ये हो गया 7 टाइम्स। अब आप इसको अगेन डिवाइड करते हो तो
सम स्थानों पर तो एक ही एट और विषम जो है ओड प्लेस पे जो है वो सात और एक आठ, तो आठ में से आठ आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जीरो आता है। तो अगेन ये नंबर इलेवन से डिवाइड कर सकते हो आप, इलेवन से डिवाइड करोगे तो ये वन टाइम्स इलेवन हो गया, सेवन रहेगा सेवेंटी सेवन, सेवेंटी सेवन में ये सेवन टाइम्स। अब सेवनटीन है ये सेवनटीन से डिविजिबल होगा तो सेवनटीन को सेवनटीन से डिवाइड करोगे तो आ गया वन। तो बीस हजार पाँच सौ सत्तर के आप प्राइम फैक्टर किए तो वो आ गया है दो की घात है वो एक ही बार है, उसके बाद पाँच है तो उसकी पावर भी एक ही है, उसके बाद इलेवन की पावर है वो टू है और सेवनटीन की पावर है वो वन है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो अपने पहले के जो क्वेश्चन है पाँच, वो पाँचों क्वेश्चन कर लिए हैं।